अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। तो जी, आज फिर मैं हाजिर हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। काफ़ी टाइम के बाद मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है और यहाँ मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। जैसा कि आज 22 रजब है और 22 रजब के दिन कूड़े बनते हैं, तो यहाँ पर मम्मा खीर बना रही थी। जैसे कि 22 रजब की, तो सोचा मैंने कि ना मैं आज ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया था। और ब्लॉग बना तो लेती हूँ लेकिन मुझसे एडिटिंग नहीं होती उसकी, और मतलब कि मेरे ब्लॉग में ज़्यादा कुछ खास चीज़ें भी नहीं होती है, घर घर का ब्लॉग, और कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं होती कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बस यही होता है, सुबह की रूटीन, उठो, सफाई वगैरह करना, नाश्ता, और फिर खाने वगैरह की तैयारी करना। इस तरह से ही हमारा तो दिन गुजरता है काम में, इतना कुछ खास हमारा होता नहीं है कि मैं ब्लॉग शूट करूँ। और यहाँ खीर रेडी हो चुकी थी, तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा मम्मा कह रही है मुझे कि ब्लॉग शूट करो। यहाँ पे बार बार मम्मा मुझे याद दिलाते हुए कि ब्लॉग बना रही थी, आप ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाती तो बट अपलोड करना भूल जाती हूँ या हाफ शूट करती हूँ। मतलब कि दिन में स्टार्ट तो करती हूँ मैं ब्लॉगिंग करना, बट उसके बाद में भूल जाते हैं कि मैं ब्लॉग बना रही थी, और पूरा दिन ही गुजर जाता है मेरा कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मा खीर तैयार हो गई थी, उसके बाद यहाँ पर मम्मा मीठी टिक्कियाँ बना रही थी। भी कुछ था जो कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, खुद भूल चुकी थी कि ब्लॉगिंग कर रही थी। तो मम्मा ने कहा कि वीडियो शूट करो आपका, तो मैं भूलती जाती हूँ कि मतलब कि मैं वीडियो बनाते बनाते गुम हो जाती हूँ, किसी काम में लग जाती हूँ या कहीं मेरे चली जाती हूँ। तो मम्मा यहाँ पर टिक्कियाँ बना रही थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ब्लॉग शूट किया कि ताकि मैं यूट्यूब पर भी थोड़ा फोकस करूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कम अपलोड करती हूँ। टू मंथ में इस तरह से वीडियो अपलोड करती हूँ, तो इसी वजह से। तो मम्मा मुझे कहती हैं कि ब्लॉगिंग बनाया करो ब्लॉग, मगर यही है टाइम नहीं मिलता, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कहाँ चले जाते हैं, या फिर कभी घर में काम इतने होते हैं कि मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पर मम्मा टिक्कियों का आटा गूंद रही थी। यहाँ पर टिक्कियों का आटा रेडी हो गया था, उसके बाद यहाँ पे मम्मा टिक्कियाँ बनाने स्टार्ट हो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ा था आटे को, दिन उसके बाद मम्मा टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, कितनी सारी टिक्कियाँ बन गई हैं यहाँ पे, बहुत सारी। और यहाँ मम्मा अभी भी बना रही है। और यहाँ पे लास्ट थी, और उसके बाद आई फ्राई करने की बारी, तो यहाँ पे मम्मा टिक्कियाँ को फ्राई कर रही थी, और यहाँ पे कुछ बन भी गई थी,
फिर मम्मा ने मुझे कहा कि वीडियो शूट कर लो, तो मतलब कि थोड़ी बहुत पिकियाँ बन गई थी, दिन उसके बाद मैंने दोबारा शूट किया। जब तक यहाँ टिक्के ब्राउन कर रही हैं मम्मा, आप लोग मौसम शेयर करते हैं। यहाँ का मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा था और बारिश भी हो रही थी लगातार, 3-4 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी हो गई थी बारिश की वजह से। तो मतलब कि बारिश से पहले जो मौसम था वो गर्मी हो गई थी थोड़ी सी, मतलब कि नॉर्मल मौसम था, बट जब बारिश हुई तो उसके बाद सर्दी अच्छी ज़्यादा हो गई थी। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, तो बारिश खूब इंजॉय की। तो उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी इंस्टा की रील बनाने के लिए, तो मैं आई थी रेडी होकर, तो मैंने सोचा कि ना मैं इंस्टा की रील बना ली, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप भी डाल दिया था ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ मैं। फिर हम सिर्फ वीडियो शूट कर रही थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा बताने लग गई थी। उसके बाद यहाँ मम्मा खीर को सर्व कर रही थी और यहाँ टिक्किया भी बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पर टिक्किया बन के रेडी हो गई थी। आई होप कि आज का व्लॉग, मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।